Hello and very good morning to all. Uh, welcome in this uh, daily news analysis here. So let's get started. Here we Hindu or Indian Express jo newspaper, hai, unko analysis kar rahe, including the editorial part. So let's get started. I hope I'm audible. I'm audible. Please give a thumbs up, guys. All is fine. Please give a thumbs up. Uh, let's get started. एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करेंगे द थिंग इज दैट वेन एवर वी फाइंड दैट सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल है ना और हर हर किसी की लाइफ में होता है जब भी कुछ चैलेंजेस होते हैं समटाइम्स वी आर एबल टू फेस दो चैलेंजेस स्ट्रगल्स और कई बार नहीं कर पाते हैं ठीक है तो जब भी ऐसा लगे कि हमारे हाथ से चीजें निकल रही है थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल सो ट्राई टू फोकस ऑन आर थॉट है ना किस तरह की थॉट जो है वो डोमिनेट कर रही है हमारे माइंड में किस तरह का थॉट प्रोसेस है जो डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ पे जानने वाली बात है ये कि जो चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं उनको हम किस तरीके से ले रहे हैं गेटिंग दिस क्या हम इस तरीके से ले रहे हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अब मैं कैसे करूंगा या करूंगी है ना ये चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है व्हाट विल हैपन टू मी है ना फ्यूचर में क्या होगा ये सारी चीजें तो ये अगर इस तरीके की थिंकिंग डोमिनेट कर रही है यू नीड टू वर्क ऑन दैट थॉट प्रोसेस उस थॉट प्रोसेस पे वर्क करोगे तब थोड़ा सा बाहर निकल सकते हो फाइन और यहाँ पे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है कई बार हम सुनते भी हैं एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि थिंग्स आर फाइन ना थिंग्स आर ओके थैंक्स फॉर योर विशेष गाइड्स ओके यू जूज थैंक्स फॉर योर विशेज गिव फॉर योर बर्थडेट रिगार्डिंग थैंक यू वेरी मच थिंक कई बार से जो पॉजिटिव नोट पे हम शुरू करने की बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी कई बार भी मैंने आपसे जिक्र किया है कि आप देखेंगे कि एक बार एक जो आदमी होता है वो अपने डोंकी के साथ है ना गधे के साथ जा रहा होता है अब तो वो उसका बहुत ही प्यारा डोंकी होता है गेटिंग दिस उसका बहुत ही प्यारा डोंकी वो होता है और चलते चलते वो इस तरह से गड्ढे में गिर जाता है एक सूखा कुआ होता है जिसमें पानी नहीं होता लेकिन वो उसमें गिर जाता है अब वो उसको निकाल नहीं सकता क्लियर और वो देखता है यार ये बहुत ही मतलब यहाँ पे भूखा प्यासा रहेगा कैसे मतलब ये अपना टाइम स्पेंड करेगा बड़ी ही इसकी दर्दनाक मौत होगी तो वो इस चीज़ को देख नहीं पाता और वो सोचता है क्यों नहीं यहाँ पे मैं इसी को इंस्टेंट जो है एक रिलीफ दूँ यहीं पे इसको दफन करके चला जाऊँ वो ऊपर से मिट्टी डालना शुरू करता है एक मिनट कुछ एक इशू ओके सो वी आर बैक द थिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल किस तरीके से जब उस uh, वो जो सूखे कुएं में गिर गया है है ना वो डोंकी सूखे कुएं में गिर गया है तो उसका जो मालिक है ऊपर से मिट्टी डालना शुरू करता है कि यार इसको यहीं पे दफन कर देते हैं नीचे रहेगा बड़ी दर्दनाक इसकी मौत होगी तो वो जब ऊपर से मिट्टी डालना शुरू करता है तो वो डोंकी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि यार मैंने इसके लिए इतना काम किया और ये क्या क्या हो क्या रहा है मतलब मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाली जा रही है फिर उसके एकदम से जैसे हम कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलती है या जो भी है मेंटस वाले ऐड तो आपने देखे होंगे तो वो क्या करता है वो देखता है कि यार मालिक मेरी हेल्प कर रहा है गेटिंग दिस वो जो उसके ऊपर मिट्टी आती है उसको शेक ऑफ इस तरह से करता है और फिर मिट्टी के ऊपर आ जाता है मिट्टी के ऊपर आ जाता है थोड़ी देर बाद मालिक देखता है ये हो क्या रहा है ये गजा तो बाहर निकल गया इस तरीके से ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ माइंड सेट वी आर हैविंग किस तरीके की थॉट प्रोसेस हमारे उसमें चल रही है वहीं पे सब चीज़ों का समाधान है क्योंकि तो हर व्यक्ति की क्या है सिचुएशन अलग है उसकी प्रॉब्लम अलग है कुछ भी डिफरेंट हो लेकिन थॉट प्रोसेस पे आप थोड़ा सा वर्क करोगे ना तो सॉल्यूशन निकल के आता है है ना बिल्कुल हेल्पलेस ऐसा नहीं होना है कि यार अब क्या करना है क्योंकि सिचुएशन डिफिकल्ट होती है हर व्यक्ति की फेज के अंदर किसी को क्यों होता है किसी को क्या होता है तो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन योर थॉट प्रोसेस कीप दॉट्स इन द राइट मैनर थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी नेगेटिव थिंकिंग तो आएगी लेकिन उसको ऊपर सरेंडर नहीं करना है है ना पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव था आएंगे ही नहीं नेगेटिव थाट तो आएंगे यार डर भी लगेगा एंगजाइटी भी थोड़ी रहेगी लेकिन उसके लिए सरेंडर नहीं करना है ठीक है आपके हाथ में जो चीजें हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूँ तो चलो शुरू करेंगे क्लास को फटाफट से एंड थैंक यू ऑल फॉर योर विशेष आज आप देखेंगे तो एक एडिटोरियल है डिलिमिटेशन पे अच्छा है है ना जिसकी हम बात करेंगे और उसके अलावा अगेन सेम रिपीटेशन पे आ रही है यार थीम क्लियर वही जो एक साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन इतने दो महीने से उस पर चर्चा चल रही है वही कहानी रिपीट हो रही है वही कनाडा वाला इशू रिपीट हो रहा है तो जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये जो चीज़ें हैं हमेशा ऐसे ही होता है आप देखोगे अफगानिस्तान वाला इशू चला था तब अफगानिस्तान में दो महीने तक आर्टिकल एडिटोरियल थे लेकिन हमारे को वो गलती नहीं करनी है कि न्यूज़पेपर में आ रहा है तो उसको डेली बेसिस पे कर रहे हो ठीक है तो एक बार अच्छे से कर लिया दैट्स मोर सफिशियंट आगे आ गया जाएंगे चैनल नया इससे जुड़ जाइएगा मेरी सारी क्लासेस यहीं पे हो रही है पीडीएफ के रिगार्डिंग ये टेलीग्राम चैनल है इस पर आप जुड़े रहिए एक व्हाट्सअप चैनल भी हमने क्रिएट किया है मेक श्योर कि आप कनेक्टेड रहें तो व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़े रहिएगा ये पहला एडिटोरियल है पेपर टू से लिंक कर रहा है क्या ये कह रहा है ये कह रहा है कि यार डिलिमिटेशन जो है ना वो जरूरी है डीलिमिटेशन क्या होता है आप वोट देने जाते हो आपने देखा होगा ना आपकी जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं ठीक है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है या जो लोकसभा क्षेत्र है जहां से आपके एम एल चुन के आते हैं कि इस एरिया के अंदर जो है लोग वोट करेंगे तो इस एरिया का एक एम होगा एम होगा क्लियर वो होती है कॉन्स्टिट्युएंसीज जो ग्राफिकल कॉन्स्टिट्युएंसीज या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप कह लीजिए तो ये कह रहे हैं जो एक्सरसाइज है ना ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कार्व आउट करने की इसमें दो चीजें हैं मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड स्टेट है इसको लोकसभा की आपने सीट दे रखी है ट्वेंटी फाइव ठीक है अब ये ट्वेंटी फाइव सीटें कब से हैं ये आपके सेवेंटीज uh, से फिक्स है क्लियर मतलब आज लगभग थर्टी फाइव ईयरस हो जाएंगे मोर देन फिफ्टी हो गए फिफ्टी प्लस ईयर हो गए लेकिन आपने ये इन चीजों को फिक्स कर रखा है ठीक है पॉपुलेशन मान लो पहले कहीं पे लेटेस्ट से कि हाँ तीन करोड़ थी आज इसकी पॉपुलेशन बढ़ के छह करोड़ हो गई तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है ना कि एक एमपी जो है या एक एमएलए है वो इतने लोगों को करेगा मान लो सौ लोगों को करेगा आज दो सौ लोगों को वही कर रहा है जबकि दूसरे स्टेट है वहां पे एक एमपी है वो केवल पचास लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो ये जो पूरा जो आर्टिकल लिखा है इसमें डिबेट यही है कि हो क्या रहा है नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है वहां पे पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी है साउथ इंडिया में इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है क्लियर रीजन क्या है रीजन ये रहा कि हमने ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है डिलिमिटेशन का मतलब आप समझ गए ना आर यू फाइन विद दिस डिलिमिटेशन थिंग डिलिमिटेशन प्रोसेस की हम बात करें इसका मतलब आप जानते हैं डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि आप जो इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको कार्वाउट कर रहे हो उनकी बाउंड्रीज फिक्स कर लो है ना ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है यहाँ से एक एमपी या एमएलए चुन के आएगा तो डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आप देखोगे लोकसभा की सीटों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है लोकसभा की लोकसभा की सीटों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है क्यों क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इतने भी संविधान में संशोधन हुए हैं ओके of all the constitutional amendment acts this 52nd constitutional amendment act is very very important ठीक है इसको ध्यान रखिएगा तो इसके अंदर क्या किया हमने uh, 1976 के अंदर फ्रोज कर दिया था डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द सेंसस ऑफ 71 1971 का जो सेंसस है जनगणना है उसके आधार पे जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रखी थी या फिर जो नंबर ऑफ सीट्स दे रखी थी उसी को वहीं पे फिक्स कर दिया उसको चेंज नहीं करा कब तक के लिए फिक्स कर दिया सर टू थाउजेंड वन के लिए क्यों कर दिया हम चाह रहे थे यार पॉपुलेशन जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए जनसंख्या जो है वो कंट्रोल में आ जाए क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी यहाँ पे ये देखा गया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो स्टेट है या ऐसे स्टेट जो पॉपुलेशन को स्टेबिलाईज कर रहे हैं उनको तो नुकसान होगा जिन स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको सीटें भी ज्यादा मिलेगी तो उनको इंसेंटिव नहीं हुआ ना कुछ कि आप अपनी पॉपुलेशन स्टेबिलाईज कर लो इसका कुछ फायदा होगा तो यहां तो उल्टा हो रहा था पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी आपका पॉलिटिकल जो है एक इंपॉर्टेंस है वो बढ़ेगा तो इस चीज को सही करने के लिए करेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और कहा कि दो तक आपका कोई बदलाव नहीं होगा क्लियर फिर क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट किया जिसको कहते हैं एट्टी सेकेंड एटी फोर्थ एटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें क्या किया गया इसमें हमने वापस से आर्टिकल 82 जिसमें डिलिमिटेशन की बात होती है उसके अंदर ये संशोधन किया और कहा कि ये जो हमने आ, आ, लगा रखा था कि लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ेंगी इसको 26 तक बढ़ा देते हैं क्यों क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन का जो चैलेंज था वो अभी भी था अब क्या हो गया अब आ गया साल दो और हमने क्या कर रखा है इसको बढ़ा रखा है ट्वेंटी तक इसलिए ये चर्चाएं वापस से न्यूज में आ गई क्योंकि तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब जो है हमें जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज को विड्रॉ करना पड़ेगा ओके क्योंकि तो लोकसभा की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें काफी ज्यादा काफ कोई परिवर्तन नहीं हुआ इतने लंबे सालों से पिछले आप देख लो पचास साल का पीरियड हो गया उसके बाद से कोई चेंज नहीं हुआ जबकि नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए हैं एक एम कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर उस चीज को देखा जाना होगा उसको सही करना जरूरी है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना यार अगर उसका जो फंडामेंटल बेसिस है वो यही है तो वही अगर कॉम्प्रोमाइज होगा हाउ द थिंग्स विल टू तो ये कह रहे हैं हमें क्या करना होगा डिलिमिटेशन को एक्सरसाइज करना होगा बिकॉज इट इन्वॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फेडरलिज्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट एज ए कंसोलिडेटेड यूनिट तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अब दोबारा से हमें इसको करने की जरूरत है लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर एक तो हमारा 21 वाला सेंसस है ना हुआ ही नहीं आप करोगे अगर डिलिमिटेशन करोगे कि अच्छा दो चीज़ें यहाँ पे करोगे ठीक है एक तो लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स जैसे ये ए वाला स्टेट है इसको 25 सीट मिल रखी है ठीक है तो अभी पिछले 50 साल से फिक्स है ये बी वाला स्टेट है इसको भी मान लो 25 सीट मिल रखी है लेकिन इसकी पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ गई इसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं तो थोड़ा सा वो वेरिएशन आ गया ना एक एम कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है अब उसके अंदर थोड़ी सी पैरिटी हम लाएंगे तो यहाँ पे चीजें चेंज करनी होगी क्लियर तो ये कह रहे हैं चीजें बदलने के लिए हमारे पास डेटा भी तो होना चाहिए फैक्ट भी तो होना चाहिए हमारे पास जनगणना का डेटा ही नहीं है सेंसस का डेटा ही नहीं है क्योंकि ट्वेंटी वन का सेंसस तो कोरोना की से हुआ नहीं है और अब ये माना जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है 21 का जनरल इलेक्शन है उसी के बाद सेंसस सेंसस होगा होगा और यहां पे ये जो ऑथर है वो ये मान के चल रहे हैं कि अब ये समझ लो आप ट्वेंटी के अंदर जो डेटा आएगा सेंसस का के आधार पर चीजें आगे जाएंगी दूसरा यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द विल बी कॉन्स्टिट्य है ना किस तरीके से विड्रॉ की जाएगी या फिर हम देखें कि नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे क्योंकि तो देखो यहां पे समझने वाली बात यह है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि जो स्टेट है लेटेस्ट से नॉर्थ इंडिया के अंदर जो स्टेट है इनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली तेजी से बढ़ी है और आज भी बढ़ रही है आज आप देखो टोटल फर्टिलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक जो मदर है वो अपने रिप्रोडक्टिव एयर में कितने बच्चों को जन्म देंगी है ना तो वो क्या होती है टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है रिप्लेसमेंट लेवल पे 2.1 मानी जाती है साउथ में स्टेट ऐसे हैं जिनकी 2.1 से भी कम चली गई है ठीक है 2.1 से भी कम चली गई यहाँ पे स्टेट है जिनकी छोड़ो पॉइंट से भी ऊपर है बिहार जो है अभी तीन से भी ऊपर जा रहा है ठीक है यूपी की भी टू से ऊपर है तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे अभी भी पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन का चैलेंज है और यहाँ पे अगर हम विड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज को तो कैसे करेंगे क्योंकि अगर ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स नॉर्थ के पास जाती हैं तो साउथ के जो स्टेट हैं वो डेफिनेटली क्या होंगे नाराज होंगे एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा कि यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें फायदे की बजाय नुकसान मिल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आउट करना होगा कि कैसे जो इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके जो है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से कैसे आप देखो साउथ में कैसे दोगे नॉर्थ में कैसे दोगे वट इज द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड इज द कन्वर्सेशन ओके ऑल द स्टेक होल्डर शुड कम टूगेदर ओके दे नीड टू डिस्कस कि हाँ ये चीजें हैं ये चीजें हैं क्योंकि इसके अंदर फेडरलिज्म का इशू भी इन्वॉल्व है ना नॉर्थ साउथ इशू भी इन्वॉल्व है पॉपुलेशन स्टेबिलाईन का ऑब्जेक्टिव अभी पूरा नहीं हो गया है कि हाँ भैया हमारी पॉपुलेशन स्टेबिलाइज हो गई है ओवरऑल इंडिया के परस्पेक्टिव से देखोगे तो आप कह सकते हो सर टू पॉइंट वन आ हो तो गई अब क्या चाहिए लेकिन अगर आप रीजनल परस्पेक्टिव में देखोगे बिहार का तो अभी भी तीन से ऊपर चल रहा है ठीक है यूपी को देखो आप यूपी का भी टू पॉइंट वन से ऊपर है तो ये थोड़ा सा रीजनल जो वेरिएशन है ना स्टेट्स के बीच में वेरिएशन इसको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा गेटिंग दिस सो व्हाट इज द सेंट्रल द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ये आर्टिकल ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे रिप्रेजेंट हम क्या करते हैं हम डायरेक्ट तो रूल कर नहीं रहे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब हम जो है किसी व्यक्ति को इलेक्ट करेंगे चुनाव के आधार पर वोट डाल के उसका इलेक्ट करें इलेक्शन करेंगे ये व्यक्ति इलेक्ट हो गया हमारे बिहाफ पे ये जो व्यक्ति हैं एम पी हैं एम एल ए हैं ये हमारे बिहाफ पे रूल कर रहे हैं हमारे लिए लॉ बना रहे हैं पॉलिसी बना रहे हैं देश को चला रहे हैं ठीक है डायरेक्ट में क्या होता है हम डायरेक्ट कोई भी मैटर होगा उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है वो ये पॉसिबल नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको विद्रॉ करें पिछले पचास साल से इस पर विराम लगा रखा है क्लियर तो ये चीज़ें हैं अगर ये वापस से इसको हटाते हैं लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हैं क्लियर क्योंकि नई आपकी पार्लियामेंट बन गई है नई पार्लियामेंट बनी है तभी सीटें बढ़ेगी ज़्यादा एम जो होंगे वो बैठ पाएंगे आई थिंक जो कॉमन हॉल है उसमें आठ नंबर ऑफ कुछ सीटें हैं डेफिनेटली हम बढ़ा सकते हैं बढ़ानी चाहिए क्लियर है आ गया समझ में फिर इसमें एक और इशू आएगा कितने बच्चों को याद है कि मैंने आपको आसाम का डिलिमिटेशन जो है ना वो पढ़ाया था ठीक है ये तो नॉर्थ साउथ की बात हो गई स्टेट के बीच में सीट के बंटवारे की बात हो गई किस स्टेट को कितनी लोकसभा में सीट दी जा रही है नहीं जा रही है लेकिन अगर विद इन द स्टेट बात करें विड्रॉ करने की है ना जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको विड्रॉ करने की ये आसाम वाला कितने बच्चों ने पढ़ा था मेरे से इंपॉर्टेंट था आसाम वाले में क्या हुआ था आसाम वाले में ये दिक्कत आ रही थी मान लो आपकी पहले जो बाउंड्रीज हैं वो इस तरह से विड्रॉ कर रखी है आपने चार जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इस तरह से बांट रखी है ठीक है अब आपने क्या किया विड्रॉ करी बाउंड्रीज को और चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसा बांट दिया लेटर से यू हैव दिस इसको जोग्राफिकल एरिया के कॉन्टेक्स में मत लेना ठीक है यू हैव दिस दिस इज द फर्स्ट वन दिस इज द सेकेंड वन ये थर्ड ये फोर्थ वन टू थ्री फोर इस तरह से कुछ बांट गया ये ज्योग्राफिकल एरिया के कॉन्टेक्स में मत लेना वट एम ट्राइंग टू टेल की पहले ऐसा था अभी आपने कुछ चेंज कर दिया चेंज कर दिया इससे क्या हुआ इससे चीजें चेंज हो गई क्या चेंज हो गई वहां पे जनरली आप जानते हैं कि जो वोटर होता है है ना वोटिंग हो रही है इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है उसमें काफी सारी डायनेमिक्स है काफी सारी चीजें वोटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं कौन कौन सी चीजें हैं आप देखोगे कास्ट फैक्टर आज भी रिलेवेंट है ठीक है रिलीजन के बेसिस पे चीजें जो हैं आज भी इन्फ्लुएंशियल हैं डेवलपमेंट इनिशिएटिव है वो सारी चीजें हैं बट कास्ट रिलीजन ये चीजें अभी भी वो हैं इम्पेक्टफुल हैं वोटिंग बिहेवियर में तो आप देखेंगे जब यहाँ पे ये यह जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इस तरह से इनको विड्रॉ किया गया उसकी वजह से क्या हुआ था आसाम के अंदर यहाँ पे माइनॉरिटी कह रही थी कि आपने ये करके माइनॉरिटी जो है उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया है वगैरह वगैरह ये याद आ रहा है आपको आर रिटिंग दस आसाम वाले केस के अंदर तो इसमें दो दो ऑप्शन है दो जो डिलीमा है इन डिट तीन डिलीमा है एक तो, तो आपका सेंसस हुआ ही नहीं है दो की जनगणना हुई ही नहीं दूसरा फिर इसमें इशू क्या आ रहा है दूसरा ये आ रहा है कि स्टेट्स के अंदर बीच में डिवाइड कैसे करोगे लोकसभा की जो नंबर ऑफ सीट्स है फिर क्या आ रहा है उन्हीं का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे करोगे क्योंकि आसाम वाले केस के अंदर ये बहुत बड़ा इशू हुआ था आगे आ जाएंगे तो क्लास आपका लगभग आठ से साढ़े आठ का रहता है वी आर आर ट्राइंग टू फिक्स द टाइम वी आर ट्राइंग टू पुश दिस कि आठ बजे ही आपका स्टार्ट हो जाए एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल बट स्टिल वो आठ से साढ़े आठ आपका स्टार्ट होता है नोटिफिकेशन आपका आ जाता है मेरे टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाता है यूट्यूब ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना इस पर नोटिफिकेशन सारे ऑन कर लेना ठीक है तो वो नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि क्लास शुरू हो गई है और जब तक क्लास शुरू नहीं हो रही है आप घर पे बैठे हो अपना है ना ऑनलाइन स्टडी है ये भी तो फ़ायदा है तो आप अपने नोट्स रिवाइज कर लो कुछ भी रिवाइज कर लो क्लास जैसे ही शुरू करे तो क्लास को अटेंड कर लो ठीक है ये आपके मतलब इतने तो मेच्योर हो ही यार ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर आपके बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो कि सर अभी तक नहीं आया तो चलो गपशप करते हैं वो चीज़ें मत करो काम की बात है कोई डाउट है तो पूछ लिया बाकी अपना करते रहो या रिवीजन करते रहो सबसे अच्छा तरीका तो यही है जो ये टाइम पीरियड है ना अगर आपको पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा मिल रहा है करके क्लास आठ बजे थी साढ़े आठ शुरू हो रही है इस टाइम पीरियड को रखो रिवीजन के लिए क्योंकि ऐसे तो रिवीजन के लिए टाइम निकलता नहीं है सिलेबस पूरा करना है इसी दौड़ के अंदर यही माइंड के अंदर छपा रहता है कि रिविज़न का टाइम नहीं मिलता तो इस इस, इस पीरियड में रिविज़न कर लो क्लियर आगे आते हैं पॉलिटी पे आएगा दूसरा टॉपिक भी पॉलिटी से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट है टॉपिक दूसरा भी पॉलिटी पे है और ये कहीं ना कहीं रिलेट करेगा एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था याद होगा आपको शशि थरूर साहब का क्या बात कर रहे थे वो पार्लियामेंट्री कंडक्ट की बात कर रहे थे आई होप आइडिया आपने लगा लिया होगा अभी क्या हुआ है पार्लियामेंट के अंदर ही एक एम है उन्होंने कुछ इस तरह की भाषा का यूज किया है ठीक है जो अनपार्लियामेंट्री uh, ही मानी भी uh, मानी जा रही है और इसके अलावा काफी उसको कह सकते हो कि एक इस तरह की लैंग्वेज जो है नॉर्मल पार्लेंस के अंदर आम बोलचाल में शोभा नहीं दे सकती तो आप तो पार्लियामेंट में उसको लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो वापस से क्या है क्वेश्चन एक तरह का वर्बल अब्यूज यूज माना गया है वापस से इशू यही उठ गए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से जो कॉन्डक्ट है है ना वो किस तरीके से डाउन जा रहा है क्यों क्योंकि अगर पार्लियामेंट में इस तरीके की चीज़ें होंगी पार्लियामेंट में इस तरह की चीजें होंगी तो लोगों के दिमाग में क्या मैसेज हम दे रहे हैं लोगों के अंदर जो ट्रस्ट है पार्लियामेंट को लेके लोगों के अंदर जो एक क्रेडिबिलिटी है विश्वसनीयता है पार्लियामेंट की कहीं कही ना कहीं हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं एंड पार्लियामेंट इज द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी डेमोक्रेसी को यही तो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिबेट हो रही है डिस्कस हो रही है हमारे लिए जो लॉ है डिसीजनस हैं वो लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं एम हैं उनका बिहेवियर ऐसा होगा तो किस तरह का मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर ठीक है सो दिस इज द कांड ऑफ थिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान रखो अगेन इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो शशि थरूर जी वाला जो एडिटोरियल था उससे किन बच्चों ने वो नहीं पढ़ाया जिनकी नई क्लास है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है कॉन्टेक्ट मैंने बता दिया यही है कि आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना वो फॉलो करने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर जो भी आ, आपके डिबेट डिस्कशन हो रहा है उसके लिए कुछ कॉन्टेक्ट बने हुए हैं ठीक है उनको फॉलो करो और कम से कम इस तरह का वर्बल अब्यूज तो यूज़ मत करो आम बोलचाल में हम यूज नहीं करते हैं और यहाँ पे आप पार्लियामेंट में बैठ के इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हो हालांकि राजनाथ सिंह जी ने माफी वगैरह भी मांगी है लेकिन ओवरऑल अगर आप इशू देखोगे तो इसमें क्या ये सजेस्ट कर रहे हैं इस पर एडिटोरियल है आज तीन चार पॉइंट हम लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इसपे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है क्लियर तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि देखो एक तो जिस भी एम ने इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं वर्बल अब्यूज वगैरह किया है, है यहाँ पे जो स्पीकर हैं उनकी जिम्मेदारी है ठीक है जो भी चेयर कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि स्ट्रांग से स्ट्रांग एक्शन लिया जाए एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि इस तरह के जो कम्युनल स्लर्स हैं या फिर वर्बल अब्यूज हैं उनको यूज मतलब आगे से कोई भी यूज करने की ना सोचे एक तरह का एग्जाम्पल आप सेट कर दो क्लियर एग्जाम्पल सेट कर दो कि इस तरह से प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा उनको जो भी पनिशमेंट दिया जाए और इससे क्या होगा प्रिवेंटिव एक्शन भी हो जाएगा आगे कोई इस तरह के वर्ड यूज करने से पहले तीन बार सोचेगा कि नहीं यार इसको लाइटली नहीं लिया जाएगा तो दिस मैसेज मस्ट बी क्लियर ये जो है किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जाएगा जीरो टॉलरेंस इस इस पे क्या है? पे है है क्या क्या जीरो टॉलरेंस इससे फायदा होगा इससे एक ट्रस्ट डेवलप होगा सामने वाली जो पार्टीज हैं अपोजिशन है उनके अंदर भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगी और जनता को भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा टू फोस्टर द हेल्थी डायलॉग द इंस्टीट्यूशन एंड द पीपल क्लियर और इसमें क्या ध्यान रखनी है चीजें कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन हो रहा है ये काफी नॉर्मल हो गया है कई बार हम देखते हैं कोई पेपर स्प्रे छिड़क रहा है कोई फाइलें फेंक रहा है कोई कागज फाड़ दिया कोई जो वहां पे चेयर है उनकी तरफ लोग भाग रहे हैं नारे लगा रहे हैं क्लियर तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है काफी कॉमन हो रहा है इसकी वजह से पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे भी प्रभाव हो रहा है ना डिबेट डिस्कशन की जो क्वालिटी होनी चाहिए उस पर भी प्रभाव हो रहा है ओवरऑल गवर्नेंस भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है लॉस ऑफ वैल्यूबल लेजिस्लेटिव टाइम एंड प्रोडक्टिविटी ये हो ही रहा है फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उसको आप बाधित कर रहे हो इससे लोगों के अंदर विश्वसनीयता उसकी कम हो रही है कि यार ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं इनको हमारे से कोई मतलब नहीं है हमने इनको चुन के भेजा है लेकिन इनको हमारे से मतलब नहीं है आप कहोगे सर लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है इससे क्या फर्क पड़ रहा है लोगों की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है इससे क्या फर्क पड़ रहा है इसी से तो फर्क पड़ रहा है ठीक है वैन द ट्रस्ट एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डिमिनिशेज है ना तो वो सबसे बड़ा ब्लो है डेमोक्रेसी के लिए क्योंकि डेमोक्रेसी का आधारित तो लोगों का ट्रस्ट है आज इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है की इलेक्शन में कोई भी झाँधली नहीं हो रही है है ना देर इज नो फ्रॉड इन द इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन प्रोसेस इज वेरी फेयर दिस ट्रस्ट इज वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर है अगर ये ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कि यार वोट किसी को डाला है जीत कोई रहा है तो फिर किस तरह की डेमोक्रेसी हम कर रहे हैं फिर आगे उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आगे अनरेस्ट हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ तो भूल जाओ सबसे पहले ये चीजें हैं इसी के ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उसी के ऊपर सब चीजें बनेगी क्लियर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सब चीजें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द यू कैन से काइंड ऑफ़ फंडामेंटल कंडीशन जिसी के ऊपर आगे जाएगी आज आप देखो अफ्रीका के में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं रही ठीक है कभी आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया कभी कोई पॉलिटिकल अगर रिप्रेजेंटेटिव है भी वहां पे ठीक है पीएम मान लीजिए बन गए लेकिन सारी कंट्रोल तो आर्मी के हाथ में लुक एट कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान क्लियर तो ये सारी चीजें हैं तो हम नहीं चाहते इस तरह की स्थिति इंडिया के अंदर आ, किसी भी तरीके से हालांकि वो तो बहुत एक्सट्रीम है बट हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर लोगों का ट्रस्ट रहे एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इंडिया के अंदर पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहे हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन है ना उनके ऐसा मैंशन किया जा रहा है कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वीक किया जा रहा है ठीक है दिस काइंड ऑफ डिबेट इज ऑल्सो देयर अब वाकई में किया जा रहा है नहीं किया जा रहा वो एक अलग चीज़ है बट दिस हैज बीन इन क्वेश्चन की इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे इलेक्शन कमीशन है क्यों मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है और जो जो हमने देखा है कि हाँ क्वेश्चन मिलेंगे उस पर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं पेपर उठा के देखिए क्लियर तो इसमें ये नहीं है कोई चेस्ट थम्पिंग नहीं है कि देखो मैंने कहा था मिल रहा है द काइंड ऑफ थिंक आई एम ट्राइंग टू टेल कि यार चीजें इसी तरह से आती है ठीक है इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है तो एग्जाम प्रोसेस आपको समझ आएगा उसको क्लियर कर सकते हो दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक अगेन एंड अगेन मैं ये नहीं है कि अच्छा मैंने पढ़ाया ये आ गया द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल कि इस तरीके से चीजें पढ़ते हो तो इसी तरह से एग्जाम में पूछता है सनी इसी साल पूछ रहा है हर बार इसी तरह से ये प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं हमेशा से क्या होता है इलेक्शन जो कमिश्नर हैं या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं तो यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका पूरा, -पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट का कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्लियर अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि बार बार अपोजिशन की तरफ से ये आ, एलिगेशन लगाए जा रहे थे ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे क्या एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि यार इलेक्शन जो कमिश्नर है ना वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं ये है वो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये केस गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कमेटी बना लेते हैं और वो कमेटी में तीन मेंबर होंगे ठीक है प्राइम मिनिस्टर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इन द पार्लियामेंट एंड यू हैव दिस सी जे आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तीन मेंबर होंगे ये तीन मेंबर जो है uh, जिस भी व्यक्ति को रिकमेंड करेंगे क्लियर जिस भी व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे उसको हम सीई सी बना देंगे इससे क्या होगा इससे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो क्या हो गया आप ट्रांसपेरेंट हो गया यहाँ पे आपने क्या किया जो अपोजिशन पार्टीज है उनको भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इंक्लूड कर लिया अब यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है सो नो बडी कैन क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी और द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन अब आपका वो चला ही गया अब आप बोलोगे तो मजाक मानेंगे लोग कि भैया जब गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है तो फिर आपके लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया जो सी है उनको हटा दिया यहाँ पे एक यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहेंगे और मेजोरिटी से चला जाएगा तो फिर भैया इसका मतलब क्या हुआ ठीक है कोई चीज अच्छी हो रही थी देन समथिंग वॉज गोइंग फाइन बहुत अच्छा रिफॉर्म ये माना जा रहा था इंडीड Uh, ये मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टू लास्ट ईयर पे इस पर एडिटोरियल आना शुरू हुए थे जब ये रिफॉर्म नहीं किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था तीन मेंबर कमेटी बना पीजीआई को आपने हटा दिया यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहेंगे ठीक है तो मेजोरिटी किसके पास आ गई मेजोरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई ना पहले भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही थी अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो हम हमने लूज की ठीक है यहाँ पे प्रोसेस को हम इस तरीके से कर सकते थे कि उससे क्या होता ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है ना इलेक्शन कमीशन की बढ़ती इलेक्शन कमीशन एज ए इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और मजबूत होता लेकिन अभी आपने क्या किया इस तरीके से सी को हटा के आपने किया है सो दिस इज नॉट दिस वॉन्ट बी हेल्पिंग ना ये तो हेल्प नहीं करेगा तो ये है हर तरीके से जो आप इंस्टीट्यूशन देखोगे तो इंस्टीट्यूशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है तो सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं कोई सरकार अच्छा काम कर रही है कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग खुश नहीं है हमेशा ऐसा होगा ठीक है ऐसा नहीं होगा सारे लोग किसी भी सरकार से खुश लेकिन गवर्नमेंट आ रही है जा रही है इंस्टीट्यूशन आर देयर टू स्टे इंस्टीट्यूशन यहीं रहेंगे इंस्टीट्यूशन अगर हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत है क्लियर तो इंस्टीट्यूशन uh, को स्ट्रेंथन करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्लियर हो गया चलो तो आगे आ जाएंगे Uh, देखो व्हाट्सअप चैनल का बेनिफिट ये एक बच्चे ने पूछा है सर वट आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट्सएप चैनल द थिंक इज दैट अगर टेलीग्राम पे कुछ इशू होता है है ना और कभी भी कुछ भी रह सकती हैं चीज़ें तो वी आर नॉट श्योर तो मैं नहीं चाहता यार टेलीग्राम पे इतने सारे बच्चे हैं आपसे एकदम कनेक्शन छूट जाए कि हमारे आपके बीच में वो कनेक्शन दैट्स गॉन इन वन मोमेंट ठीक है एक ही बार में एक झटके में वो तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप वाट व्हाट्सएप वा, पर कनेक्ट रहें है ना ऐसा कोई हम उसमें इस्पैम, इस्पैम, स्पैमिंग नहीं कर रहे हैं और तो जब इस तरह की सिचुएशन हम फेस करते हैं तो वी विल बी हैविंग वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका और मेरा कनेक्शन है ऐसा तो यूट्यूब चैनल भी अपने आप में वो है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो व्हाट्सअप जो चैनल है उस पर भी आप जुड़े रहिएगा दिस इज द ओनली एंड ऑनली ऑब्जेक्टिव क्लियर ये है आ गया समझ में गया जाते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन देखो हुआ क्या था नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ये नई एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने दी थी 2022 uh, 2020 के अंदर 2020 में आई थी सर उस समय पे बहुत डिटेल में पढ़ाया था मीन में क्वेश्चन भी आ गया था अच्छी बात है नई एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया बहुत सारी चीजें की इन्होंने कहा कि यार आपने भी देखा होगा कई बार कि अगर मान लो किसी बच्चे ने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया और हमने तो देखा कि लेटेस से किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसने एक साल इंजीनियरिंग का कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच है या कुछ कोर्स किया अब उसको लग रहा है यार इंजीनियरिंग इज नॉट ऑफ माई काइंड है ना या फिर उसने दो साल का कोर्स कर लिया अब उसको लग रहा है यार चार साल में यहाँ पे खराब करूंगा मेरे लिए कुछ नहीं है मुझे इंजीनियरिंग के अंदर इस तरह से नहीं है मुझे इस स्ट्रीम में जाना चाहिए या कोई कहीं पे और कहीं पे एंटर हुआ है ठीक है तो वो पहले क्या होता था ये ऑप्शन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी उस बच्चे ने एक साल कोर्स किया मान लो चार साल का कोर्स है का एक साल खराब दो साल का कोर्स था दो साल किया दो साल खराब अभी ऐसा नहीं होगा मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिया है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन किसने दिया है नई जो शिक्षा नीति है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोवाइड दिस मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन इसका क्या मतलब है अगर आपने एक साल का कोर्स किया आप उस कोर्स को चार साल की आपकी ग्रेजुएशन थी जिसमें आपको ऑनर्स और वो डिग्री मिलेगी ठीक है तो उसमें आपने एक साल करके निकल गया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपका वो एक साल खराब नहीं है आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ठीक है दो साल आपने कर लिया तो आपको उसका डिप्लोमा दिया जाएगा वो दो साल आपके खराब नहीं हुए हैं तीन साल है ग्रेजुएशन है चार साल में ऑनर्स वाली वो जो प्रॉपर इस तरह से डिग्री है वो मिल रही है तो द थिंग इज दैट आप कहीं पे भी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो एग्जिट करना एग्जिट तो करते हो कहीं दूसरी जगह पे एंट्री भी आपको अलाउ करनी पड़ेगी तो ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पे क्या हुआ है एक पार्लियामेंट का जो पैनल है ये ये न्यूज हम क्यों देख रहे हैं द न्यूज वी आर हियर बिकॉज आ, आ, एक पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसने इसको स्टडी किया है पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसने इसको स्टडी किया है तो दिस इज द थिंग फाइन यहाँ पे ये यह क्या कह रहे हैं कि यार अच्छी बात है कि आपने ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन तो दे दिए फॉरेन के अंदर जनरली ऐसा होता है फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है तो आपने ये दिया है इसका तो फायदा होगा अच्छी बात है कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी चॉइस भी होगी सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है क्यों आसान नहीं है मान लो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा है ठीक है अब उसके पास जो टीचर्स की व्यवस्था है उसने टीचर की व्यवस्था कर रखी है कि मेरे पास सौ बच्चे होंगे तो मेरे पास इतने टीचर है मतलब प्यूपिल टीचर रेशो उसने सौ बच्चों के हिसाब से किया हुआ है अब उसको पता नहीं है कि कितने बच्चे जो है एंट्री कर जाएंगे बीच के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपने दी ना कितने आउट कर रहे हैं सो दैट इंस्टीट्यूशन विल बी इन डिलीमा कि कैसे मुझे पीपल टीचर रेशियो को मेंटेन करना है कैसे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैच करेगा नहीं करेगा ये सारी चीजें ठीक है अन ईवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है हर जगह पे हर स्पेशली रूरल एरिया इंटीरियर्स हैं ट्राइबल एरिया हैं और बहुत सारी जगह है जहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूशन का एक्सेस नहीं होगा तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इसने हाईलाइट किया ये जो पैनल था उसने कहा कि यार ये बहुत सारी दिक्कत है आप क्या करो आप जो भी स्टेक होल्डर्स हैं स्टेक होल्डर कौन है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं एक्सपर्ट्स हो गए सरकार उन सबके साथ बैठे इन समस्याओं का समाधान मांगे और यहां पे ये इंश्योर करें क्या इंश्योर कि गाइडलाइंस दी जाए है तो ना वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क दिया जाए मल्टीपल एंट्री एग्जिट अगर मल्टीपल एंट्री एग्जिट दे रहे हो तो किस कंडीशन में एंट्री दी जाएगी किस कंडीशन में वो एग्जिट कंसिडर किया जाएगा क्या उसको किस तरह से मार्क्स दिए जा रहे हैं किन मार्क्स के बेसिस पे किस बंदे को किस स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो तो सारी क्लैरिटी हमें चाहिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए ठीक है क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म चाहिए इसके लिए जो है स्टैंडर्डाइज क्रेडिट एक्ुमिलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम ये जो क्रेड सिस्टम है इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर किया जाए जिससे क्या हो बच्चे को पता चले कि हाँ मेरे इसी इस तरह से है मैं इस इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकता हूँ या इस इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए ये ये क्राइटेरिया है इससे क्या होगा चीजें क्लैरिटी आएगी इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा है वट इज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस न्यूज ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस न्यूज ये एजुकेशन से रिलेटेड है पेपर टू में यहाँ पे आपने मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन दिए हैं अच्छी बात है फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में दिए जाते हैं इंडिया में भी ये दिए जा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी है चॉइस भी है लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए इनमें दो पॉइंट आपको लिखने हैं ठीक है दिस रेड लाइन ये वाली जो है इसको ध्यान रखो और ये जो कैट सिस्टम है ना इसका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करो तो थिंग्स विल सॉर्ट आउट क्लियर बस यही आपके काम का है एजुकेशन का पार्ट है उसके अंदर ये चीजें आपके काम में आएंगी पार्लियामेंट पार्लियामेंट का जो ये पैनल है हाउस पैनल यू हैव दिस स्टैंडिंग कमेटी है एजुकेशन पे इसकी तरफ से ये दिया गया है तो बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीजें मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि वो रॉकेट साइंस या वो है बहुत प्रैक्टिकल चीजें इन्होंने बताई है जिसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ये क्या किया है यूपी की सरकार ने एक इनोवेशन यहाँ पे लेके आए हैं हो क्या रहा है देखो पेपर टू के अंदर ही हेल्थ केयर भी आता है हेल्थ हेल्थ केयर केयर भी आता है से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर थ्री में भी आते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इतना स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है समझ रहे हो इस चीज को कि अगर कोई टॉपिक आई में है तो उसको क्या कर रहा है आई को लिंक कर रहा है आपके एनवायरमेंट से क्लाइमेट और इन सब से या फिर आई को लिंक कर रहा है सोसाइटी से गेटिंग जैसे इकोनॉमी को लिंक कर रहा है सोसाइटी से तो ये इंटरलिंकिंग चल रही है पिछले तीन साल से यूपीएससी के पेपर में ठीक है जबकि आप देखोगे कई जगह पर ये कहा जा रहा है देखो इस बार यूपीएससी ने ऐसा पूछा इस बार नहीं पूछा है ये गला फाड़ फाड़ के हम चिल्ला रहे हैं कि ये दो तीन साल से यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है इसी तरह से चीजें जा रही हैं

पूरा हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो अच्छा है, इस तरह से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इनोवेशन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम टीकाकरण कर सकें इसमें ध्यान आपको ये देना है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है ये ध्यान रखो टू में भारत सरकार ने शुरू किया ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव एम वॉज टू गो फॉर नाइन्टी इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन जानते हो ना कोरोना और ये सब आया था तब तो मैंने इम्यूनाइजेशन के प्रिंसिपल्स भी आपको पढ़ाए थे ठीक है हमने पढ़े थे इम्यूनाइजेशन के प्रिंसिपल कि कैसे जो है बॉडी के अंदर जैसे काफ़ी सारे तरीके होते हैं इम्यूनिटी क्रिएट करने के टीकाकरण के भी ना एक्टिव वैक्सीन है कि इनएक्टिव वैक्सीन है इनएक्टिव वैक्सीन मतलब उस पैथोजन को डेड करके बॉडी में डाला गया है डेड करके जब बॉडी में डाला जाएगा तो वो क्या करेगा पैथोजन जो है एंटी जो है एंटीजन की तरह काम करेगा बॉडी में हमारी एंटीबॉडीज जो हमारी डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं उनको क्रिएट करेगा तो हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बन गई अब दोबारा अगर वो पैथोजन अटैक करेगा हमारी बॉडी में उसको फाइट करने के लिए एंटी एंटीबॉडीज है मतलब सोल्जर्स जनरली क्या होता है हम ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं तो बच्चों का टीकाकरण करते हैं नाइन्टी परसेंट बच्चों को हम फुल इम्यूनाइजेशन करने के लिए उद्देश्य के साथ इंद्रधनुष लाए और फोकस यही था जहाँ पे कम इम्यूनाइजेशन है बच्चों का वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने मैंशन किया हुआ है मिशन इंद्रधनुष जो है इसकी वजह से ये काफी सारे फेजेज में चला और पांचवा जो फेज है ये बता रहा है कि फुल इम्यूनाइजेशन का जो कवरेज है एन परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गया है मतलब इंद्रधनुष इसको रट्टा नहीं मारना है ये ध्यान रखो इंद्रधनुष वाला ये जो मिशन है इसकी वजह से वैक्सीनेशन का कवरेज लगातार बढ़ता जा रहा है अभी इसके छह फेजेस जो है सिक्स फेजेज इंप्लीमेंट हम कर चुके हैं और यहाँ पे आप देखोगे लगभग साढ़े पांच सौ डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ सेवन फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स में इसको इंप्लीमेंटेशन किया गया है इसको फ्लैगशिप स्कीम के तौर पर जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन द ग्राम स्वराज अभियान ग्राम स्वराज अभियान में इसको प्रायोरिटी के तौर पर भी लिया जा रहा है और क्या ध्यान रखना है इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बारह वैक्सीन भारत सरकार दे रही है इन बारह वैक्सीन के नाम याद होने चाहिए ये पूछ सकता है प्रॉब्लम्स में कौन कौन से वैक्सीन दे रही है ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं ठीक है कुछ वैक्सीन देगी कुछ एरिया में जैसे जैपनीज एनिस का है क्लियर ये सब नेशनली देगी यूपी और बिहार वाला जो एरिया जहाँ जहाँ पे समस्या है बाकी बारह वैक्सीन जो है पूरे इंडिया में दिए जाएंगे कौन कौन से डीपीटी याद रख लो डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटेनस फिर पोलियो है मीजल्स है रूबेला है ठीक है सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्ड हुड टीबी हिपेटाइटिस बी मैनजाइटिस और न्यूमोनिया ठीक है ये सारे जो हैं इसके अंदर आ रहे हैं पूरे इंडिया के लिए तीन डिजीज हैं जैपनीज एंसिफिलिटिस रोटा वायरस जो डायरिया कॉज करता है न्यूमोकोकल न्यूमोनिया इन तीन को इंडिया के कुछ एरिया में दे रहे हैं जहाँ पे ये डिजीज ज्यादा एक्टिव है तो ये सारे जो आ, आ, कवरेज हैं टीके ये आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं भारत का अचीवमेंट क्या है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी तक हमने पोलियो को एलिमिनेट कर दिया है 2014 में इंडिया ने पोलियो एलिमिनेट कर दिया फाइन इसके अलावा अगर हम देखें टिटेनस को भी एलिमिनेट कर दिया 2015 में ये याद रखिएगा ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स के लिए स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो देखो इंडिया की अगर हम बात करें ना अभी जैसे जी ट्वेंटी समिट हुई तो सबसे ज्यादा जो बातें हुई ना जी ट्वेंटी समेट में वो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल जो एक एक्सपर्टीज है उस पर बात हुई क्योंकि चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ था रिसेंटली कोविड के अंदर इंडिया ने करोड़ों अरबों लोगों का जो है टीकाकरण किया है ना डेवलप्ड नेशन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी हमने क्या किया इतने लार्ज स्केल पे इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट किया तो चीजों की बात किस चीज पे हो रही थी कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल प्राउस है या टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है वो किस तरह से काम आ रही है है ना डेवलपमेंट प्रोसेस में चीजों को एग्जीक्यूट करने में योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में इसका एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल है ई विन नेटवर्क है ना हालांकि वहां पे यूपीआई की भी बात हुई थी कि देखो आज आ, कोई भी है पाकिस्तान आ, जो है कोई ब्लॉगर है या कौन है पॉडकास्ट जो करते हैं पाकिस्तान की तरफ से उनका एक आ, कुछ वीडियो था मैं देख रहा था उसमें उन्होंने बताया कि यार मैं इंडिया गया तो आ, एक बंदा था उसने कुछ खाया है ना समोसा या टाइप में कुछ और वो खा के चला गया पैसे नहीं दिए तो मुझे लगा यार इंडिया में ऐसा कब से हो गया कि आप खा के जा रहे हो लोग खा के जा रहे हैं पैसे नहीं दे रहे फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि लोग वो कुछ स्कैन कर रहे हैं मोबाइल से पैसा ट्रांसफर हो के जा रहा है तो वो मुझे बहुत ही वो लगा कि देखो इंडिया कितना आगे लग चला गया है पाकिस्तान कहाँ पे रह गया तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द एम्पावरमेंट हाउ वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल इकनॉमी पे था ना इस साल क्वेश्चन था ना मीन्स के अंदर तो यहीं से ये पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं आप अगर सोचोगे ये किताब है ये नोट्स है ये मैंने पूरा पढ़ लिया है ना अब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो फिर यू वॉन्ट फाइंड यू विल फाइंड द एग्जाम वेरी डिफिकल्ट ठीक है फिर आपको एग्जाम डिफिकल्ट लगेगा टू क्रैक हाँ आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए ओके यू नीड टू रीड द थिंग्स इन द राइट मैनर देन जो भी डायनेमिक एस्पेक्ट है उनको ऐड करते चलो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी इवन भी ऐसा ही एग्जाम्पल है हमने क्या किया इतने लंबे चौड़े लेवल पे मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन करना है हमें पता होना चाहिए कितना स्टोरेज है कहाँ पे कितना स्टॉक है ठीक है उनकी स्टोरेज कंडीशन कैसी है नहीं है तो इसके लिए हमने ई विन नेटवर्क बना दिया इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जिसमें ये पता चल रहा है कि कैसे वैक्सीन स्टॉक को मैनेज करना है उनकी टेम्परेचर ट्रैकिंग क्या होगी कितने लोगों को लगा है नहीं लगा है ये सारा आप तो अपने जो सर्टिफिकेट है वो भी मोबाइल से डाउनलोड हो रहे थे आपने फर्स्ट वैक्सीन का ये ले लिया है सेकेंड ले लिया ये सारी चीज़ें ये न्यूज इंटरनेशनल रिलेशन में आ रही है ठीक है और जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं जयशंकर साहब कह रहे हैं कि देखो आज भी जो है पूरा विश्व डबल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है देखो ये न्यूज है आई की ठीक है लेकिन यहाँ पे जो इस न्यूज को हमने क्यों लिया है बाकी सारी चीजें वही रिपीटेशन में आ रही है पहले भी ये कह रहे थे वही ये कह रहे हैं कि आज हमें रिफॉर्म की जरूरत है हम जो है ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं या फिर ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग नेशन हैं, उनकी आवाज भी सुनी जाएगी हम चाह जा रहे हैं तो ये सारी बातें तो सोसाइटी तो में क्वेश्चन को लिंक करेगा जीएस पेपर वन सोसाइटी में इस बार भी आपने देखा होगा जीएस का पेपर वन सोसाइटी में कितने सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी सोसाइटी में कितने सारे क्वेश्चन निकल के आए गेटिंग दिस क्या कह रहे हैं पहली चीज तो इन्होंने कह दिया डबल स्टैंडर्ड है आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो कोरोना में हमने देखा चाइना का एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया और बड़े बड़े देशों की बात कर लो कि आप बोल रहे हो ऐसा करो वैसा करो लेकिन खुद कुछ कर ही नहीं रहे हो ना क्लाइमेट चेंज के लिए आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो कोरोना के अंदर जो गरीब देश है उनकी हेल्प के लिए वैक्सीन और ये सब उपलब्ध कराने के लिए क्या किया क्या नहीं किया खैर मेजर जो हम इस आर्टिकल को ले रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द वर्ड ही इज रेफरिंग टू कल्चरल रीबैलेंसिंग क्या है वर्ड कल्चरल रिबैलेंसिंग अब इसको गूगल करोगे ज्यादा इस पर कॉन्टेंट नहीं है इन्होंने यहाँ पे यूज किया इन्होंने इसका मतलब बताया उतना ध्यान रखिए कल्चरल रिबैलेंसिंग का मतलब क्या बता रहे हैं ये कल्चरल रिबैलेंसिंग मीन्स इनके खुदी के वर्ड्स में रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना उसको एक्सेप्ट करना क्योंकि हर जगह की कुछ अलग विशेषता है रादर देन हम जो कुछ चीजें हैं जो सो कॉल्ड वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड नेशन है उन्होंने कुछ एस्टेब्लिश प्रिंसिपल कर रखे हैं उन्हीं को थोपना सबके ऊपर उसकी बजाय अब चीजें चेंज हो गई हैं कल्चरल रिबेलेंसिंग हो रही है जहाँ पे हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्नॉलेज कर रहे हैं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं गिविंग अदर कल्चर्स एंड ट्रेडिशन देयर ड्यू रेस्पेक्ट दूसरी जो कल्चर है उनको भी उनका रेस्पेक्ट और जो उनका है हिस्सा है एक तरह से उनको जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था वो दिया जा रहा है गेटिंग दिस सो ये मीनिंग हो गया कल्चरल रिबैलेंसिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट यू वॉन्ट फाइंड दिस थिंग्स इन एनी ऑफ दिस ठीक है कि कहीं पे हमें नोट्स में मिल गया किसी मैगजीन में है या किसी किताब के अंदर है बट अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको सोसाइटी में लिंक करके पूछेगा कि कैसे कल्चरल रिबैलेंसिंग हो रहा है नहीं हो रहा है फिर आप वेग आंसर लिखोगे क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता ना कोई एग्जांपल दे सकते हो एग्जांपल इसका क्या दोगे कल्चरल रिबैलेंसिंग में क्या एग्जांपल दे दोगे आज एग्जांपल दो हम देख रहे हैं यार मार्केट फोर्सेज डोमिनेट कर रहे हैं हर जगह पे और कहीं ना कहीं जैसे इंडिया की ही हम बात करें कहीं पे भी हर जगह पे आज क्या हो रहा है वीट और राइस का ही कंजम्प्शन है सब जगह वीट राइस का कंजम्पशन है क्या हमेशा पहले ऐसा होता था अगर मैं खुद बात करूं राजस्थान की बात करूं ठीक है तो पेरेंट्स मेरे जो हो गए या ग्रांड पेरेंट्स की हम बात करें तो वो हमेशा कहते थे यार हम लोग है ना इतना गेहूं चावल ये तो कभी यूज़ ही नहीं करते थे हमारे यहाँ पे मिलट्स यूज़ होते थे जैसे राजस्थान के अंदर मिलट यूज़ होता है पर्ल मिलट जिसको हम कहते हैं बाजरा ठीक है इसी तरह से जवार यूज़ होता है सोरगम तो ये जो मिलट्स है ना वो वहाँ पे लोकल डाइट का पार्ट थे इंटीग्रल पार्ट थे अभी क्या हो गया रिप्लेस हो गया क्यों क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं है हर जगह पे जो है गेहूं चावल गेहूं चावल ने लिया है मार्केट फोर्सेस इस तरह से है ग्लोबल लेवल पे डिमांड इस तरह से है फार्मर्स को इंसेंटिवाइज ही हम इसीलिए कर रहे हैं कि भैया गेहूं चावल ही उगाना है आपको दिस इज द थिंग तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंशन भी किया है इन्होंने ठीक है जो ये बता रहा है कि कैसे कल्चरल रिबैलेंसिंग की जरूरत है आज आप देखोगे ट्वेंटी इंटरनेशनल मिलट ईयर इंडिया के प्रयासों से डिक्लेयर किया गया कि अब मिलट्स जो है वापस से हमारी डाइट का पार्ट बन रहे हैं ठीक है, है मिलट्स हमारी डाइट का पार्ट बन रहे हैं लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है मिलट्स काफी कॉस्टली है ठीक है अगर आ, कुछ मिलट्स की बात करें तो अफोर्डेबल है लेकिन और दूसरे जो मिलट्स हैं वो अभी काफ़ी कॉस्टली हैं हमारी अफोर्डिंग कैपेसिटी से काफ़ी सारे लोगों के बाहर हैं ठीक है जैसे जिस रीजन में अगर होता है जैसे राजस्थान की बात करें बाजरा वहां पे होता है तो वो अफोर्डिंग उसमें है लेकिन अगर मैं राजस्थान में बात करूँ लेटस से कोडो मिलट की बात करूँ पंगनी की बात करूँ तो वो फिर अफोर्डिंग कैपेसिटी के बाहर जाता है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा इस तरह से फूड चॉइसिस में जो डाइवर्सिटी की बात है तो कहीं ना कहीं इसको भी एक्नोलेज करना होगा क्योंकि इससे बेनिफिट ही है और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दो ये फूड का एग्जाम्पल देके इन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो डाइट थी ग्लोबल साउथ के अंदर इन कंट्रीज में जो डाइट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया एक जो प्रोमिनेंट जो चीजें हैं ठीक है वही तो वो पिज्जा बर्गर चल रहा है या फिर मेजर जो सीरियल्स हैं वो चल रहा है तो कल्चरल रिबेलेंसिंग दिस टर्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो दो द टॉपिक इज रिलेटेड टू द दर बट आई वुड रिकमेंड कि इसको सोसाइटी में लिख लेना आप क्लियर है आ गया समझ में बस यही एक न्यूज़ थी इसके लिए हमने इसको उठाया था अदरवाइज इसमें नया कुछ नहीं है वही पुरानी बातें हैं कि हाँ एस को अचीव करने के लिए डेवलप्ड नेशन को भी सपोर्ट करना होगा वगैरह वगैरह चलो आगे आ जाते हैं आ, जो नए बच्चे हैं मेकशोर चैनल से आप जुड़ जाइएगा इसमें नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लेना ठीक है तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हाँ सर क्लास हो रही तो नोटिफिकेशन आ जा रहा है इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना नाम डाल के सर्च कर लीजिएगा वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं साइंस पे एक छोटी सी न्यूज एक टर्म आ रही है गैलेक्टिक टाइड क्या होता है क्या है गैलेक्टिक टाइड क्या होता है टाइड आप देखोगे ना टाइडल फोर्सेस क्या होते हैं ग्रेविटेशन की वजह से ग्रेविटेशन की वजह से जो है जो पुल क्रिएट होता है वो टाइडल फोर्सेस क्रिएट करता है तो गैलेक्सी के अंदर भी क्या होता है गैलेक्सी के अंदर भी ग्रेविटेशनल जो फोर्सेज होते हैं उसकी वजह से गैलेक्सी के अंदर गैलेक्सी क्या होती है हमारी गैलेक्सी कौन सी है हमारा होम कौन सा है अगर आप देखोगे पूरे यूनिवर्स के अंदर ठीक है तो ये ऐसी जो गैलेक्सी ये जो गैलेक्सी आपको दिख रही है लटस से दिस इज द मिल्की वे यहाँ पे हमारा सौर मंडल है ये मैंने एक डॉट लगाया दिख भी नहीं रहा होगा आपको ये डॉट ठीक है छोटा सा डॉट लगाया ये हमारा सोलर सिस्टम है ये डॉट इस गैलेक्सी में गैलेक्सी क्या है गैलेक्सीज बेसिकली जहाँ पे लाखों लाखों मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं डस्ट क्लाउड है ठीक है और इस तरह से गैसेज हैं क्लियर और ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से बना रहा है तो इस तरह की पता नहीं कितनी अनगिनत इनफाइनाइट गैलेक्सीज यूनिवर्स में है और जो गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है सोर मंडल है ठीक है जी डॉट भी नहीं दिख रहा होगा आपको उतना वो हमारा सोलर सिस्टम उस सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ का कितना बड़ा वो है कंपोनेंट है ठीक है मैक्सिमम तो सूर्य ने ही ले रखा है सन जो स्टार है उस अर्थ पे ठीक है इंडिया ने कितना जगह ले रखा है और उस इंडिया के अंदर आपका जो सिटी है उसने कितनी जगह ले रखी है और सिटी के अंदर हमने हमारे घर ने कितनी जगह ले रखी है और उस घर के अंदर हमने कितनी जगह ले रखी है ठीक है सो दिस इज द रियल एग्जिस्टेंस ठीक है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब भी टेंशन होना तो अपने आप को ज्यादा सीरियसली मत लेना थोड़ा कूल करना ठीक है तो दिस इज द थिंग ये ये कह रहे हैं कि यार जो गैलेक्सी है ना इसके अंदर ग्रेविटेशनल जो पुल होगा उसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो रही हैं क्या चेंज हो रही है गैलेक्सी की जो टेल्स हैं वो किस तरह से रहेगी है ना स्टार्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे नहीं होंगे कई बार गैलेक्सीज का कोलिजन होता है वो चीज़ें हो गई ब्लैक होल को प्रभावित कर रहे हैं वो सारी चीज़ें तो गैलेक्टिक टाइड्स क्यों क्रिएट होते हैं ये ध्यान रख लो क्या होते हैं और क्यों क्रिएट होते हैं दिस इज द थिंग द प्रॉब्लम्स के लिए गैलेक्टिक टाइड इज अ टाइडल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द दऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ गैलेक्सी गैलेक्सी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो थोड़े से छोटे छोटे स्टार सिस्टम होंगे वो डिस्टरप्ट हो सकते हैं ठीक है स्टार या फिर कोई प्लेनेट है वो अपनी ऑर्बिट से डिस्टरप्ट हो सकता है क्लियर ब्लैक होल के रिगार्डिंग चीजें हो सकती हैं तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इलेक्ट्रिक टाइड्स आर कॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेस विद इन द गैलेक्सी दे कैन रिशेप द गैलेक्सी का स्ट्रक्चर रिशेप कर सकते हैं टाइडल टेल्स uh, बन सकती हैं प्रोमोटिंग स्टार फॉर्मेशन बना सकते हैं छोटे स्टार को डिस्टरप्ट कर सकते हैं फुकुशिमा पे मैं उससे पहले मैंने आपको शुरू में भी बताया था जब हमने शुरू की थी क्लास कि आज वापस से कनाडा की कहानी है और ये कहानी चलती रहेगी जब तक कनाडा का इश्यू चलेगा तब तक कहानी चलेगी लेकिन आपको यूपीएससी ऐसा तो नहीं है कि कनेडा पे ही पांच क्वेश्चन पूछेगा एक क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है पूछ दे तो पूछ दे नहीं तो नहीं भी पूछेगा बट ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया कनाडा रिलेशन और इसके जो जियो है आसपास की उसको हमें पता होना चाहिए तो वो जो भी डेवलपमेंट्स है वो सब हमें पता है कि किस तरह से ट्रूडो जो है उनके लिए कंपल्शन है ना पॉलिटिकल कंपल्शन है यार कि उनको 170 सीटें चाहिए मेजोरिटी में अपनी सरकार चलाने के लिए 170 सीटें चाहिए उनके पास है एक सौ सत्तावन वन फिफ्टी सेवन सीट्स आर देयर एंड ट्रूडो नीड्स 170 सीट्स बेसिकली ट्रूडो गवर्नमेंट इज द माइनॉरिटी गवर्नमेंट नाउ ट्रूडो गवर्नमेंट वांट्स द सपोर्ट किसी रीजनल पार्टी का सपोर्ट चाहिए अब यहाँ पे एक जो पार्टी है जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी से की मानी जाती है गेटिंग दिस कहीं ना कहीं उसके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं वट एवर इज द रियलिटी बट द थिंक इज दैट दैट पार्टी इज थ्रू ट्रूडो गवर्नमेंट ट्वेंटी फोर सीट्स हैं उनके पास में फोर दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग तो उस पर डेली कमेंट्री आएंगी और अगले मान लो महीने भर तक रहेंगे आपको उसको करने की जरूरत नहीं है कॉमन सेंस एक चीज होती है स्मार्ट स्टडी एक चीज होती है वो थोड़ा सा ध्यान रखो स्मार्ट स्टडी को मैं कॉमन सेंस ही कहूंगा क्लियर इसी तरह से आप देखोगे वन नेशन वन इलेक्शन अब ये पिछले तीन महीने से चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन आज वापस से उस पर एडिटोरियल है तो जब उसको अच्छे से कर लिया है समझ लिया है काफी वैल्यू एडिशन उसमें आपको करा दिया है तो उसमें नया कुछ नहीं आ रहा है जब कुछ नया निकल के आएगा कमेटी बना रखी है कोविंद साहब के उसके अंदर कुछ नया निकल के आएगा तब हम उसको करेंगे कुछ नए बच्चे होंगे वो कहेंगे सर आपने पढ़ा दिया लेकिन हमने तो नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो यार वो वापस आएगा अगले महीने जब हम करेंगे इससे रिलेटेड इश्यूज वापस आएंगे तब हम उसको करेंगे यही मैं कहता हूँ कि ये जो क्लास है ना आपकी क्लास नहीं है ये एक प्रोसेस है एक तरह का जिससे आप गुजर रहे हो ठीक है तो आप ये चीजें सीखोगे कैसे पढ़ना है कैसे करना है किन चीजों को पढ़ना है किन चीजों को नहीं पढ़ना है क्योंकि बिल्कुल जो लिख के आ गया उसको पढ़ रहे हो करंट अफेयर के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हो ठीक है तीन तीन घंटे दो दो घंटे पाँच पाँच घंटे लगाए जा रहे हो इतना सारा कंटेंट ले ले रहे हो तो देट वॉन्ट वर्क वो वर्क नहीं करेगा आप उलझ जाओगे आप फंस जाओगे आपने अपनी प्रिपरेशन को इतना कॉम्प्लेक्स अननेसेसरी बना लिया है जो तो चीज़ें सही तरीके से करने की हैं उनको उसी तरह से करिए हुक्शीमा डिजास्टर वापस से आ गया देखो कि आई थिंक मुझे याद आ रहा है थर्टी को हमने कवर किया है फुकूशीमा न्यूज थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट को मैंने आपको कवर कराई है इसमें नया कुछ नहीं है बस एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है मैं वापस से इसको रिवाइज करा देता हूँ बिकॉज द थिंग इज दैट कुड बी सम ऑप्शन रिलेटेड टू दिस न्यूज हुआ क्या था आई थिंक 2011 वाज़ द ईयर जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से सुनामी आई और फुकुशिमा है ना ये यहाँ पे फुकुशिका है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है जापान के अंदर ये डैमेज हो गया था बिकॉज ऑफ दैट थिंग ठीक है तो अब क्या कर रहा है जापान इसको डी कमीशन कर रहा है रिकमीशन कर रहा है मतलब इसके अंदर जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल वगैरह था उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा अब रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो वो भी ओशन में समुद्र के पानी में तो यार कंसर्न तो होगा ना तो स्पेशली साउथ कोरिया है या जो दू -दू दूसरे देश हैं वो कंसर्न है कि यार अगर आपने ये रेडियो एक्टिव ओशन में छोड़ दिया तो फिशेज वगैरह हैं वो कंटेमिनेट तो नहीं हो जाएगी उनमें रेडिएशन तो नहीं आ जाएगा तो इसको लेके इशू चल रहा है इस पूरे आर्टिकल में एक पॉइंट नया ऐड हुआ है बाकी तो पुराना डिस्कशन पे ही जाएगा जापान इससे पहले क्या करता था जापान में थर्टी परसेंट जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर पावर से जनरेट होती थी इस एक्सीडेंट के बाद में फुकुशुमा डिजास्टर के बाद में जापान केवल दस प्रतिशत अपनी एनर्जी न्यूक्लियर से क्रिएट कर रहा है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे बात करोगे तो ग्लोबल लेवल पे टेन परसेंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से आ रही है इंडिया में कितनी आ रही है लगभग टू इंडिया में केवल इतनी आ रही है इवन पाकिस्तान में भी लगभग पंद्रह जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर से आती है इंडिया में केवल टू ही आ रही है इंडिया अभी न्यूक्लियर से ज़्यादा रिन्यूएबल पे फोकस कर रहा है क्लियर है अब यहाँ पे आएंगे ये फुकुसुमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके अंदर जो भी रेडियो एक्टिव वाटर वगैरह है उसको रिलीज किया जाएगा वाटर को ठीक है और इसके अंदर दिक्कत ये आ रही है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे फुल प्रूफ व्यवस्था करें जिससे कि आगे समस्या ना हो आगे समस्या ना हो द थिंग इज दैट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है आ, इसको मल्टीपल टेक्निक यूज किए हैं एक टेक्निक है इसका नाम ध्यान रखना और इसी वजह से हमने इस आर्टिकल को लिया है अदरवाइज ये स्किप ही था क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं था पूरा फुल पेज आर्टिकल है केवल ये एक लाइन है ये एक्स्ट्रा एड हो रही है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट के सेशन के अलावा क्या है एडवांस प्रोसेसिंग सिस्टम एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम ये क्या करता है जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है सिक्सटी टू टाइप्स के रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना उनको हटा रहा है लेकिन इसकी एक कमी क्या है ये ट्रिटीएम को रिमूव नहीं करता है इट डज नॉट रिमूव ट्रिटीएम जो कि रेडियो एक्टिविटी रखता है अब ये ट्रिटीएम जब पानी में जाएगा तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी क्रिएट करेगा है ना वहां पे जो फिशरीज वगैरह है उनको कंटेमिनेट करेगा उसकी वजह से हो क्या रहा है सामने कंसर्न भी आ रहा है यार वो फिशेज हम कंज्यूम करेंगे तो वो रेडियो एक्टिविटी हमें भी तो नुकसान पहुंचाएगी इस वजह से काफी सारे जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही है लाइवलीहुड इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कंसर्न्स द पीपल आर हैविंग यहाँ से फिशेज कंज्यूम नहीं करनी है तो द जापान गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द काइंड ऑफ वॉट पैकेज कि इतना पैसा हम देंगे आपकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट हुई है इसके लिए वो तो अलग चीजें क्लियर लेकिन यहाँ पे जापान ये कह रहा है कि डब्ल्यू एच ओ ने जो स्टैंडर्ड रख रखे हैं आई टी एम के ड्रिंकिंग वाटर के लिए उससे छह गुना कम है उससे ये जो चीज है ये छह गुना कम है कंसनट्रेशन ऑफ रेटीएम ड नॉट एक्सीड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी एक्सीड नहीं कर रही है और ये लगभग सिक्स टाइम्स कम ही है उससे बट स्टिल देर आर कंसर्न है ना लोगों के अंदर तो ये रहता ही है ना किस तरह से अब जापान के पास यही है कि ट्रस्ट बिल्ड करे है ना सामने वाली पार्टी को ट्रांसपेरेंट मैनर में डेटा रिलीज करें कि देखो ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पानी की जो रेडियो एक्टिविटी है नहीं बढ़ी है रेडियो एक्टिव वाटर रिलीज करने के बाद में भी ये डेटा है इसको आप ऑब्जर्व कर लो दिस इज़ द ओनली वी क्लियर ट्रांसपेरेंसी है देखो यही इसमें लिखा हुआ है और नेक्स्ट और इसमें एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है थर्टी फर्स्ट को जो मैंने क्लास ली थी उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन आपको करवाया था कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में जो कुछ देश हैं जैसे फिनलैंड है फिनलैंड अभी क्या कर रहा है डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल आपका इंश्योर कर रहा है ठीक है फिनलैंड डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल इंश्योर कर रहा है डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल है तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो क्वेश्चन आ रहा है जहां पे ये क्या है तीन लेयर कर रहा है प्रोटेक्शन की वेस्ट प्लेस इन द कॉपर कनिस्टर ठीक है कॉपर के जो कैन होंगे उसके अंदर वेस्ट को डाला जाएगा फिर इसको बेंटोनाइट क्ले से कवर किया जाएगा फिर 400 मीटर नीचे बेड रॉक एंशंट बेड रॉक के नीचे उसको दफनाया जाएगा ताकि वो रेडियो एक्टिविटी बाहर नहीं निकले लेकिन यार इतने लंबे टाइम के लिए आप डाल रहे हो ठीक है हो सकता है काफी सालों बाद किसी को पता भी नहीं हो कि वहां पे इतना सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल पड़ा है कुछ और चीजें हो जाए कुछ हो जाए तो ये जो मैकेनिज्म है ना इसको प्रॉपर वे के अंदर साइंटिफिक वे में लेना होगा इसका डेटा वो सब चीजें इंटरनेशनल लेवल पे सबके पास इस तरीके से रहे जिसमें सेफ्टी कंसर्न भी है तो ये कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म की बजाय हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे जाना होगा एज फार एज न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल इज कंसर्न यही आज आपकी न्यूज है दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस ये आपका क्वेश्चन है यूजिंग फिगर्स फ्रॉम 1971 टू रिप्रेजेंट टूडेज पॉपुलेशन रन कॉन्ट्रेड टू द ग्रेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स ऑब्वियसली डिस्टॉर्टिंग वॉट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर इस पर आपको कमेंट करना है कि आप इससे एग्री करते हो नहीं करते हो प्रो कॉन्स दोनों दे, दे देना फिर एक कमेंट में लिख देना कि जरूरत तो है हमें वापस से इसको करने की लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उन प्रॉब्लम को आउट करके स्टेक होल्डर प्रोसेस के साथ है ना कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आई होप यू कैन राइट वन फिफ्टी वर्ड ही तो लिखना है कौन सी बड़ी बात है क्लियर सो दिस इज ऑल फॉर टूडे गाइज ओके हैव ग्रेट डे डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस क्लास एंड शेयर दिस क्लास एंड सेशन टू योर फ्रेंड्स फेलो एस्पीरेंट उनको ये बता सकते हो कि यार इस तरह से ये क्लास है बहुत रेलिवेंट आपकी होती हैं ठीक है चैनल से तो आपको जुड़ना ही है और बच्चों के साथ आप चैनल शेयर कर सकते हो क्लियर कि दिस इज द थिंग पी आपका इवनिंग तक अपडेट होता है इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होता है टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं मैं चाहूंगा एक बार व्हाट्सअप चैनल पे आप जुड़ जाएगा द ओनली ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो अगर टेलीग्राम पे कुछ इश्यूज होते हैं वी वुड बी हैविंग ए कम्युनिकेशन चैनल कि हमारा और आपका लिंक बना रहे दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन थैंक यू वेरी मच यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वंडरफुल विशेज एंड यूज सपोर्ट so great to see you all guys okay have a great day take care and be blessed आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए नो डाउट्स विश्वजीत ने कहा है कि 100 साल बाद लगेगा किसी को खजाना है